राज सुपे जो है मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, भी 25-30 साल, वो आजकल ऋषिकेश में रहते हैं और आध्यात्म में अपना समय बिताते हैं। तो उनकी राइटिंग, वो पहले से राइटर ही थे और बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। तो अभी जो दूसरी बुक है, ये एक पहले थी लाइफ टर्न्स टर्टल, उसके बाद हम ये व्हेन लाइफ कार्टून्स, दोनों एक ऐसी जर्नी की कहानी है जहाँ पे किरदार जो है वो आध्यात्म की तरफ जाते हैं लेकिन सांसारिक चीज़ों में बंध दिखने के बावजूद एक अलग सा एक रास्ता है उनका। तो ऋषिकेश के बारे में काफ़ी कुछ उसमें मिलेगा आपको, लगेगा कि जाकर मैं एक बार ऋषिकेश जा करके देखूँ वो गुफाएँ और वो सारी चीज़ें, तो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं बड़ी खुशी से, मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो ये सेकेंड बुक रिलीज होगी। पर्सनली बुक पढ़ना कितना पसंद है आपको और फेवरेट ऑथर्स के नाम? अरे ऑथर्स तो बहुत सारे हैं, ऑथर्स तो बहुत सारे हैं, वो तो एक बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बुक्स पढ़ना आजकल थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि स्क्रिप्टें बहुत पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा वो, लेकिन मैं पहले से काफ़ी किताबें पढ़ता था, लेकिन ऑथर्स तो भरपूर हैं, बहुत सारे। फाइनली सर, राज सर के साथ कोई मेमोरी जो हमसे शेयर कर सकते हैं? मेमोरी मैंने कहा ना 30 साल का है, तो जब से हम लोग, बहुत सारा, मतलब वो मेरे बहुत ही ज़्यादा खास मित्र हैं और हमने MBA के ज़माने से साथ में थे। आज वो मेरे दोस्त भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, गाइड भी हैं, गुरु भी हैं, तो लंबी जर्नी है। तो इस बुक को कोई फिल्में बन सकती है अगर चाहे? बिल्कुल बन सकती है, फिल्में बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इवनिंग के बारे में? बहुत मज़ेदार इवनिंग यार, किताबें लिखी जाती है और उसका विमोचन होता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है किताब लिखना, कि ये आप और आपकी किताब के बीच ही सब कुछ होता, नहीं तो पिक्चर देखने जाओ तो, है ना, तो ये अपना निजी एक और किताब, मतलब एक विश्व लिखना पड़ता है, ये कहानी, उसके सारे किरदार एक आदमी ने लिखना और उस विश्व में आप पढ़ते पढ़ते चले जाते हो, उसका एक आनंद अलग ही होता है। इसलिए आज की शाम जब मैंने देखा कुछ फिल्म मेकर्स भी आए हुए है ना, जो हो सकता है कि इस किताब के राइट्स ले ले और फिल्म बना ले, पर मज़ा है कि हमारे यहाँ आज भी ना वेब सीरीज आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन किताबों का अपना दौर है, ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी है। फेवरेट ऑथर्स तो ऐसे ही, मतलब हमारे, मैं मेरे तेंदुलकर साहब बहुत है, अच्छा लगता है मुझे, पर मैं ज़्यादातर किताबें वो पढ़ता हूँ जिसमें से मुझे कोई जो होते हैं ना कि कहानियाँ मिले। और जैसे कि अब ये जो ऑथर है रातसू पे, इसकी किताब में ही आपको अनगिनत राइटर्स मिलेंगे, मतलब वो वेद पुराण, एंशंट हिस्ट्री, सारे उसमें से आपको एक एक चीज़ें मिलेंगी। तो मैं किसी ऑथर के नाम से ज़्यादा उसका व्यक्तित्व ढूंढता हूँ और वो मुझे आज राजसुपे से मिला है। और अगर बाकी तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हम हमेशा बोलते रहेंगे, दस्तोवस्की या रविंद्रनाथ टैगोर साहब हम बात करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो राइटर्स हैं, जो कि हमेशा हम देखते हैं चेतन भगत, जिनकी फिल्म राइटिंग पे फिल्म बनी, ये जो राइटर है राजसू पे, इसमें आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, सिर्फ ये मनोरंजन की किताब है, बस कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा रीड करने से, हम ये बोल सकते हैं। के सर भी बोल रहे थे कि इस पे फिल्म बननी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सुटेबल एक्टर होगा? मुझे लगता है के ही है, के तो यही, मुझे लगता है के बिल्कुल ही है। अब वो लड़की ढूंढनी पड़ेगी, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, लव स्टोरी। मैंने आज मेरे एक दो दोस्त को भी बुलाया था, यानी राकेश मेरा वो है नहीं, लेकिन मैं उसको ज़रूरी किताब भेजने वाला हूँ, तो हो सकता है इस पर फिल्म अच्छी बनेगी। आप डायरेक्ट करेंगे? नहीं, मैं एक्टिंग करूँगा।
अच्छा सर, चिकन करी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे? आई लुक फॉरवर्ड कि कोई एक फिल्म ऐसी बनाएं जिस पे जो सब्जेक्ट है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल मोमेंट्स है, रियल इवेंट है, और उसका दर्द कुछ ज़्यादा है। और हम जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर अगर हम उसको ठीक ना कर पाए तो हो सकता है उसका मजाक उड़ाया जाए, तो वो ना हो, इसलिए ये फिल्म। कितना रिसर्च आपको करना पड़ा, क्योंकि आपके कार्टून टू इवेंट्स पे डिपेंड है प्लस लॉ एंड ऑर्डर? मैंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ी, रिसर्च तो मैंने खैर वकील किए हुए हैं, लेकिन साउथ इंडियन वकील करना था, थोड़ा सा विभत्स रस वाला करना था, तो वो जो कि क्रिमिनल और खुद ज़्यादा क्रिमिनल हो रहा है वो करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। और एक्चुअली क्या हो जाता है, जब केस आपको ऐसी सामने नज़र आती है जो लगता है कैसी ऐसा कैसा किसने किया, और आपको उसको डिफेंड करना है, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ। चिकन करी का अलावा और क्या रहा वाला जो कुछ बता सकते हैं? मुझे लगता है कि भट्ट साहब की सड़क में काम कर रहा हूँ और वेब सीरीज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर।